नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। जनपद बाराबंकी थाना रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड रामनगर के ठीक सामने बकरी चराने गए दो बच्चे विस्फोटक पदार्थ के धमाके से बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, वहां से गंभीर अवस्था में घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत रामनगर अंतर्गत केसरी वार्ड में बहलिया पुत्र राजेंद्र उम्र 11 वर्ष और पारस बहलिया सिकंदर ब्लॉक रामनगर के सामने झाड़ियों में बकरी चरा रहे थे। इस दौरान उसने पॉलिथीन में रखे सामान को उठाया, तभी जबरदस्त विस्फोट हो गया जिससे दोनों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंचकर छानबीन किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फॉरेंसिक टीम द्वारा तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर उप जिलाधिकारी रामनगर राजीव कुमार शुक्ला, पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार दुबे, नगर पंचायत के अध्यक्ष बद्री विशाल त्रिपाठी, कोतवाली रामचंद्र सरोज घटनास्थल पर मौजूद रहे। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए प्रवेश कुमार राजपूत की खास रिपोर्ट फतेहपुर से। सामने हाईवे के पास में काफी झाड़ियां हैं, वहां पे दो बच्चे, एक निर्मल बहेलिया उम्र 12 साल और दूसरा पारस बहेलिया उम्र 11 वर्ष, ये दोनों बकरियां चरा रहे थे। उसी दौरान उनको पॉलिथीन में कोई सामान दिखा वहां पे, जिसको उन लोगों ने उठाया और वहां पे उसने विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद वो दोनों बच्चे सुपरफिशियल रूप से घायल हुए हैं, जिनको सीएससी रेफर किया गया है। सीएससी रेफर करने के बाद उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कराया गया है। बाकी उसकी अभी तक सामान्य जांच की गई है, हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच रही है, गहन जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य है उसके आधार पर विधिक